Hello my dear friends, I welcome all of you to Vishnu Classes. Today we will discuss about development. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ग्रोथ के बारे में जाना था जो कि यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट है. टुडे आज अगर हम देखें टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट. सो मैंने आपको कल भी बताया था कि डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट जो है वो वाइडर कंसेप्ट है किससे, ग्रोथ से. जैसे ग्रोथ जो है वो एक अकेला मेजरेबल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हैं, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं. सो इसी तरीके से डेवलपमेंट जिसे हम विकास भी बोलते हैं, ये बहुत ही वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, मतलब बहुत बड़ी है ग्रोथ से भी. इसमें सभी चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है वो भी है, और बाकी के चेंजेस भी आते हैं. फॉर एग्जांपल फिज़िकल, जो हमारे फिजिक में चेंज होते हैं, जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उनको हम फिज़िकल चेंजेस बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं. इंटेलेक्चुअल मीन्स कि जो हमारा बौद्धिक विकास से जो है कंसर्न है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे इमोशनल, इमोशनल क्या है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स, फिर के बाद अगर हम देखें सोशल, सोशल क्या होता है, सामाजिक, सामाजिक डेवलपमेंट जो हमारा विकास है, और मॉरल, मॉरल होता है नैतिक विकास. नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जे ई एंडरसन के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जे ई एंडरसन जो है उन्होंने 1952 में कहा है कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स आते हैं. और ये फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये सारे फंक्शंस वही हैं जैसे सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है. ठीक है, इसी तरीके के. नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो है ई बी हर्लोक्स की. ई बी हर्लोक्स की जो डेफिनेशन 1959 में उन्होंने दी है, उसमें इन्होंने क्या बोला है कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज है. किसकी, चेंज की. प्रोग्रेस कैसे हम आगे से आगे बढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से विकास को भी हम एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोलते हैं. प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज है, प्रोग्रेस होती है, बच्चे के आगे चेंजेस आते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं. हम कहते हैं ना कि इतने साल के बच्चे के दांत आ जाते हैं, इतने साल का बच्चा चलने लग जाता है. व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ प्रिडिक्शन. तो इसी तरीके से हम डेवलपमेंट को, ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और ये क्या है, किसका रिजल्ट है, हमारी मैच्योरेशन और हमारे एक्सपीरियंस का. तो अब आपको डेवलपमेंट के बारे में पता चल ही गया होगा कि डेवलपमेंट क्या होती है. नेक्स्ट हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहला जो आपने अभी देखा था कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. वाइडर मीन्स कि जो बहुत बड़ी होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कॉन्टीन्यूस है. कॉन्टीन्यूस क्या होता है कि जो चीज़ लगातार चलती रहती है ना, उसको हम कॉन्टीन्यूस बोलते हैं. क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती जाती है, मतलब होती रहती है. चाहे फिजिकल डेवलपमेंट कहें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहें, इमोशनल डेवलपमेंट कहें, सोशल डेवलपमेंट कहें, ये एक कॉन्टीन्यूस पार्ट है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी और हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं. मैंने आपको पहले ही बोला कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसको हम न्यूमेरिक वर्ड्स में बता सकते हैं, जैसे कुछ नंबर जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. लेकिन क्वालिटेटिव क्या है, जिसकी क्वालिटी, कुछ गुणवत्ता जिसे हम बोलते हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या क्वालिटी है. हम बोलते हैं ना कि चाहे दो सम करो लेकिन सही करो, पूरी एक्सरसाइज गलत करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो हम क्वांटिटी नहीं देखते कि आपने पूरी एक्सरसाइज की है, हम क्वालिटी देखते हैं कि जितने सम किए हैं वो सही हैं या गलत. ठीक है, समझ आ गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर. अगर पॉइंट देखें तो ये क्या है, बिहेवियर को ही आगे इम्प्रूव करना. ठीक है, क्या करता है ये, हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करता है आगे से आगे जो है. नेक्स्ट अगर कहें तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. इंटीग्रेटेड क्या होता है कि इसी में ही बाकी के एस्पेक्ट्स हैं. हमने डेवलपमेंट में अकेले सोशल की बात नहीं की, अकेले पॉलिटिकल की बात नहीं की, अकेले इकोनॉमी की बात नहीं की, हमने क्या कहा है, सभी तरह की डेवलपमेंट. तो ये क्या है, एक तरह का इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है. डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है. ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है.
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी क्या होता है, जो हमें पेरेंट से एक तरह से मिलता है, कह लो हमारे जीन्स में होता है, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। और एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा आसपास है, उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू असेसमेंट, डेवलपमेंट होती है और हम क्या करते हैं, बाद में असेस करते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है बच्चे की, है ना। तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट टू असेसमेंट भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैंने बोला कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो ये क्या है, रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ का ही एक पार्ट है, ग्रोथ से ही रिलेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा कि ये सबसे पहले ग्रोथ जो है वो पार्ट्स में है और डेवलपमेंट जो है वो वाइडर है। ग्रोथ जो है वो इतनी कॉन्टीन्यूस नहीं है, लेकिन हमने डेवलपमेंट का क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट कैसे होती है इन अ कॉन्टीन्यूस मैनर। फिर हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ है वो पर्टिकुलर आस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, पूरा हमने सोशल की बात की। इसमें ग्रोथ में देखें तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बॉडीली चेंजेस जो आ रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट में है उसमें हम फिजिकल चेंजेस, मॉरल चेंजेस, सभी तरह के चेंजेस देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, चेंजेस एज अ होल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो ग्रोथ है वो क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, लेकिन अगर हम देखें डेवलपमेंट के बारे में तो ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रोथ क्या है, इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर। बॉडीली की बात की ना हमने, हमेशा ही बॉडीली स्ट्रक्चर की बात करी है कि इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, ये तो वो क्या है, ग्रोथ, यही पढ़ा हमने। तो इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर क्या हो गई, ग्रोथ। और डेवलपमेंट की बात करें तो स्ट्रक्चर में तो इम्प्रूवमेंट होता ही होता है, साथ में इसमें फंक्शनिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो आपस में डिफर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंटीग्रेटेड नहीं है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को लिया गया है, लेकिन डेवलपमेंट में हम सभी एस्पेक्ट्स को लेते हैं, देन इट इज इंटीग्रेटेड। फिर उसके बाद ग्रोथ में हम सेल्स की बात करते हैं, सेलुलर है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, हम इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। ग्रोथ क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया है कि कैसे उसका हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से बंदा कितना सीख रहा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रोथ क्या है, मेजर करने वाला एक सब्जेक्ट है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, हम इसे असेस भी कर सकते हैं, सिर्फ माप, मेजर ही नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे डेवलपमेंट को असेस भी कर सकते हैं। जो ग्रोथ है उसमें जो है डेवलपमेंट मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, हो सकता है कि उसमें उससे डेवलपमेंट ना हो ग्रोथ से, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो आज हमने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में किया है, उसका डिफरेंस भी किया है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।